पिछले 10 सालों से यही थी मैं। और क्या? मेरा मतलब ये दूध वाली चाय ट्राई कीजिए ना। हम यहाँ फर्नीचर और डेकोरेशन की फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम कोई कैफे खोलने वाले होंगे तब तुमसे राय जरूर ली जाएगी। तो आप कौन से बदलाव करवाना चाहती हैं? बड़ी आई डिजाइनर बुलाने वाली अपने आप को। शर्त लगा रही हूँ मैं और तुम उससे अच्छा काम कर सकते हैं। कौन सा काम? मैडम जी कह रही थी कि हर जगह कंक्रीट हो गया है, हमें जाकर नेचर में लौटना चाहिए। अगर इतना ही नेचर का शौक है तो पहाड़ों में जाकर रहो ना। और उसकी वजह से वो मुराद मुझ पर गुस्सा हो गया। मैं ज़ायद चला, ऐसा क्या किया मैंने? और क्या करती? सबके सामने कितनी बेइज्जती कर दी मेरी। क्या कहा तुमने? वो बस काम सबसे आखिर में। जो कहना था कह दिया, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, समझ गए? ठीक है, तो मेरे साथ और सबसे वही बात करो। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं थी वो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। क्या मैंने पूछा तुम आइंदा क्या नहीं करोगी? नहीं तो जॉब पर बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करना सीखो। अब चलो मेरे साथ। अगर किसी को नेचर का शौक हो तो पहाड़ों पर जाओ। मुराद सर ने कहा मुझे यहाँ आके अपना ओपिनियन देने के लिए। बुरा मत मानिएगा पर आपके सारे सजेशंस बड़े क्लीशे थे, आपको कुछ और सोचना चाहिए। अब अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं जाऊँ? और कुछ? और कुछ नहीं। तुम्हारा सजेशन क्या है? कोई सजेशन नहीं है। अब ऐसे एम्प्लॉयज का हम क्या करें, बिना सजेशन के क्रिटिसाइज करते हैं। शायद आप भूल रही हैं कि मैं फिल्टर कॉफी पीता हूं। उम्मीद है आप इतना काम तो कर ही पाएंगे मिस हयात। वैसे मुझे मिस हयात की बात बिल्कुल सही लग रही है। हाँ मुझे भी। हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, घिसे पिटे डिजाइन से शुरुआत नहीं कर सकते। अगली बार आप कुछ नए और यूनिक आइडियाज के साथ आइएगा। तो मीटिंग खत्म करते हैं।